हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में व्यंजनांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रकरण यहां पर चल रहा है। पुल्लिंग व्यंजनांत शब्दों में जिन सूत्रों का प्रयोग किया गया है उन्हीं सूत्रों की चर्चा यहां पर हो रही है। कवर्गांत शब्द स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग दोनों में नहीं पाए जाते हैं। चकारांत शब्द तेत त्वच शब्द से चर्चा प्रारंभ हुई थी। त्वच शब्द के रूप सुवाच शब्द की तरह प्रयोग किए। छकारांत शब्द अप्रसिद्ध है। जकारांत शब्द में स्त्रीलिंग में सृज शब्द आया था जो यजादि के अंतर्गत शब्द आता है, तो वहां पर हसस छांते जादि नाम डा चवर्ग दृगादि नाम चय सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु हसस छांते जादि नाम डा सूत्र के माध्यम से डा आदेश किया गया था। उसके बाद तकारांत शब्द में विद्युत शब्द की चर्चा हमारे बीच में रही और थकारांत शब्द स्त्रीलिंग में नहीं है। दकारांत शब्द में शरत शब्द हमारे बीच में आया था और उस शरत शब्द की तरह ही संविद विपद परिषद आदि के प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब हमारे बीच में तेद शब्द आ रहा है और तेद शब्द सर्वनाम संज्ञक शब्द है और सर्वनाम संज्ञक शब्द होने के कारण इसके सारे प्रयोग सर्वनाम संज्ञक शब्दों के समान ही चलते हैं चलेंगे। सभी काम जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं वह कार्य जो सर्वनाम संज्ञक शब्दों में हमने और आपने किया है उन्हीं सूत्रों की चर्चा यहां पर प्रारंभ होने जा रही है। यदि हम पूर्व में पढ़े हुए सूत्रों को अगर थोड़ा सा भी स्मरण में लाते हैं तो हम तेत शब्द के प्रयोग बहुत अच्छे से चला सकते हैं। सर्वप्रथम तेत शब्द में सर्वनाम संज्ञक होने के बाद भी यह शब्द तैदादि शब्दों के अंतर्गत आता है। तैदादि शब्दों के अंत में रहने वाले शब्द को वर्ण को अकार आदेश हो जाता है, यानी कि दा के स्थान पर अकार आदेश होगा तैदादि नाम विभक्तौ और तैदादि नाम विभक्तौ के माध्यम से जब दा के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा तो अगला सूत्र आता था अकारे लोपम, अर्थात तैदादि शब्दों को या सामने अकार के होने पर पूर्ववर्ती अकार का लोप होता है। तो तेमे में जो यामे अकार था उस अकार का
लोप हो जाएगा और तैदादी नाम विवक्तव सूत्र से जो दाके स्थान पर मां आदेश किया है, आकार आदेश किया है, वो या में आके जुड़ जाएगा, वो हमारा शब्द है त्य। ये पुल्लिंग शब्द है और इस शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हमारे बीच में सूत्र आता है स्त्रिया मादा। स्त्रिया मादा अर्थात स्त्रीलिंग बनाने के लिए, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ प्रत्यय होता है, त्य धन्य आ। अब दोनों को जोड़ने के लिए समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम शब्द बन गया हमारा त्या। और जहां दीर्घ स्त्रीलिंग आकारांत शब्द होते हैं उन शब्दों की आश्रद्धा, आश्रद्धा सूत्र से श्रद्धा संज्ञा होती है और श्रद्धा संज्ञा संबंधी जो कार्य पूर्व में हमारे द्वारा किए गए हैं वे ही श्रद्धा संज्ञा सूत्र हमारे बीच में लगते चले जाएंगे। जो स्वरांत पुल्लिंग और स्वरांत स्त्रीलिंग प्रकरण में जिन सूत्रों का प्रयोग हमने किया है वे स्त्रीलिंग में श्रद्धा संज्ञक सूत्र और सर्वनाम संज्ञक शब्द हमारे बीच में आते हैं। तो त्या शब्द बनने पर इसकी लिंग संज्ञा करेंगे और सर्वप्रथम सी विभक्ति लाएंगे। अब सी औ जस जितनी भी विभक्तियां आएंगी हम पुनः पुनः तैदादी नाम विभक्तौ अकारे लोपम स्त्रिया मादा समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम इन सूत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे और हमारे बीच में शब्द रहेगा त्या दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग। उस त्या शब्द से सी विभक्ति लेकर आते हैं और सी विभक्ति के लाने पर सर्वप्रथम सूत्र लगता है आ श्रद्धा। दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की श्रद्धा संज्ञा होती है। श्रद्धा संज्ञा करने के बाद में सूत्र आता है श्रद्धाया सरलोपम। श्रद्धा संज्ञा से परे सी का लोप हो जाता है। जब सी का लोप हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा त्या। परंतु एक तस्च सूत्र है 282 नंबर का, तस्च सूत्र कहता है कि जिन शब्दों के आदि में ता होता है उस ता के स्थान पर सा आदेश होता है केवल सी विभक्ति के होने पर, यानी कि केवल एक वचन में, और एक वचन में उस ता के स्थान पर सा आदेश हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा पहला स्या। द्विवचन में औ विभक्ति के आने पर त्या धन औ, यहां पर सूत्र की प्राप्ति होती है औ रिम, प्राप्ति तो होती है औकारे औकारे च, परंतु श्रद्धा संज्ञा हो जाने पर औ रिम सूत्र के माध्यम से औ के स्थान पर ई आदेश होता है और ई आदेश हो जाने पर अवर्ण इवर्ण ए आ के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा और ई का लोप हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा तिये।
जस विभक्ति के आने पर समानस जस्म से अस्वचेगा, समानस सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम। सूत्र से दीर्घ आदेश होकर रेप सोर विसर्जनिया तो शब्द बन जाएगा त्याहा। संबुद्धि आदि में हम प्रयोग करना चाहेंगे, वैसे सर्वनाम संज्ञक शब्दों का प्रयोग संबोधन में नहीं होता है, परंतु आचार्य भगवंत ने संस्कृत टीकाकार ने सर्वनाम संज्ञक शब्दों का सर्व संबोधन में प्रयोग दर्शाया है, तो दर्शाया है तो हम भी आपके बीच में सिद्ध कर देते हैं। त्या धनसी संबुद्धौच। संबुद्धौच कहता है कि श्रद्धा संज्ञा में रहने वाला जो आ है उस आ के स्थान पर ए आदेश होता है संबुद्धौ परे, संबुद्धि के होने पर, और संबुद्धि के होने पर आ के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, और फिर आ के स्थान पर ए आदेश होने पर सूत्र बढ़ते ह्रस्व नदी श्रद्धा व्यास लोपम। ह्रस्व से नदी से श्रद्धा से संबुद्धि संबंधी सी विभक्ति का लोप हो जाता है तो प्रयोग बनेगा हे रंभे हे ते। द्विवचन में भी औ रिम लगाएंगे तो हे ते, और जस विभक्ति में समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम हे तया। अम विभक्ति के आने पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम त्याम। द्विवचन में ते। शस विभक्ति के आने पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, और रेप सोर विसर्जनीयः त्याः। अब टा विभक्ति लेकर आते हैं त्या धन टा, तो सूत्र हमारे बीच में आता है टाउ सो रे। टा और ओस के स्थान पर ए आदेश होता है श्रद्धा संज्ञा से परे, श्रद्धा संज्ञा को ए आदेश होता है टा और ओस के होने पर, तो त्या का जो आ है उसके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, और ए आदेश हो जाने के बाद में त्य ए आ, यहां पर एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से अ आदेश हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा त्या। भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर त्या भ्याम, विश विभक्ति के आने पर त्या भी ही, रेप सोर विसर्जनियो रेप सोर विसर्जनिया। हाँ, अब गे गसी गस और घी ये गवंती विभक्तियां कहलाती हैं, और गवंती विभक्तियों के आने पर श्रद्धा संज्ञा जहां होती है वहां सूत्र लगता है गवंती यही यास यास याम, लेकिन सर्वनाम संज्ञक शब्द जब होते हैं वहां पर सूत्र लग जाता है सर्वनाम नस्तु ससवो ह्रस्व पूर्वाश्च, अर्थात सर्वनाम संज्ञक जो श्रद्धा शब्द है उनसे गवंती विभक्ति के होने पर पूर्व को ह्रस्व आदेश होता है, और क्रम से गे के स्थान पर स्येई, गसी के स्थान पर स्यास,
गस के स्थान पर स्यास और घी विभक्ति के स्थान पर श्याम आदेश होता है। ये विशेष कार्य आपको जानना चाहिए। तो त्या धन गे अश्रद्धा से श्रद्धा संज्ञा करने के बाद सूत्र की प्राप्ति होती है गवंती यही यास यास याम। इस सूत्र की प्राप्ति होने पर सर्वनाम नस्तु शशवो ह्रस्व पूर्वाश्च सर्वनाम संज्ञक शब्दों को ह्रस्व आदेश होता है और गवंती जो विभक्तियां हैं अर्थात गेट ने के स्थान पर सेई गसी के स्थान पर स्यास गस के स्थान पर स्यास और घी विभक्ति के स्थान पर श्याम आदेश होता है। तो प्रयोग बनते चले जाएंगे त्यस्यै त्याभ्याम त्याभ्याः त्यस्याः त्याभ्याम त्याभ्याः त्यस्याः। अब ध्यान रखना ओस विभक्ति आएगी ओस और ओस विभक्ति के आने पर अभी अपन ने सूत्र पढ़ा था टाउ सो रे टा और ओस विभक्ति के आने पर श्रद्धा संज्ञक जो आ है उस आ के स्थान पर ए आदेश होता है और ए आदेश हो जाने के बाद ए आय सूत्र लगेगा और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नये और रेप चोर विसर्जन यहां तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा तेयो। आम विभक्ति के आने पर आमी च नु सूत्र की प्राप्ति होती है परंतु स्वरामी सर्वतः सर्वनाम संज्ञक शब्दों से सु का आगम होता है और नु का अनुबंध हो जाता है और नु का अनुबंध हो जाने के कारण प्रयोग बनता है त्यासाम। नी विभक्ति के स्थान पर श्याम आदेश और त्याग के रहने वाले आ को ह्रस्व तो त्यस्याम। उस विभक्ति के आने पर त्ययो और सुप विभक्ति के आने पर त्यासु ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। यही तैत शब्द की विशेषता है और तैत शब्द के समान अन्य शब्द भी हमारे बीच में आएंगे। हमारी फाइल आगे बढ़ेगी। अगला प्रश्न हमारे बीच में जब आएगा तो हम आपके बीच में शब्दों की चर्चा करेंगे। वे शब्द हैं तद के बाद तद। इस तद शब्द के रूप भी तद के समान ही सिद्ध होते हैं। सा ते ता ताम ते ता तया ताभ्याम ताभी तस्यै ताभ्याम ताभ्यः तस्याः ताभ्याम ताभ्यः तस्याः तयो तासाम तस्याम तयो तासाम। इस प्रकार से यत शब्द एतत शब्द इन सभी शब्दों के प्रयोग इस त्यद और तत् शब्द के समान जानना चाहिए।
एतत् शब्द में तस्य चेह सूत्र लगाकर उस दाके स्थान पर ताके स्थान पर सादेश करने के बाद एक नया सूत्र लगता है, नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नू विसर्जनीय सांतरोपी। उस सूत्र के माध्यम से एतत् का रहने वाला जो ताके स्थान पर सादेश किया था उस ता को दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होगा ऐसा। शेष सभी प्रक्रिया त्यत और तत् के समान जानना चाहिए यत और एतत् शब्दों की। अब हमारे बीच में नकारांत शब्द आता है स्त्रीलिंग में सीमन। अब ध्यान रखना सीमन शब्द की उपधा में अन है, अन माने अन्ना अंत में है, आ उपधा में है, माने नकारांत शब्द जो चलते हैं तो नकारांत शब्दों में घुटी चा संबुद्ध सूत्र का स्मरण करना जिसके माध्यम से दीर्घ होता है। और ससादी विभक्तियों के आने पर 250 नंबर का सूत्र और 251 नंबर के सूत्र के माध्यम से जो सीमन शब्द के मां में रहने वाला अकार है उसका लोप आदि हो जाता है। तो इत्यादि सीमन शब्द की चर्चा हम आपके बीच अगले सत्र में करेंगे। आप सीमन शब्द की प्रक्रिया को चलाने के पूर्व घुटी चा संबुद्ध सूत्र को स्मरण रखें और 250 नंबर का सूत्र आपके स्मरण में रहना चाहिए, उसको विस्मृत नहीं करना। अवम संयोगा दनो लोपो लुप्त वच्चे पूर्व विदाउ। और घी विभक्ति लाएंगे और घी विभक्ति के लाने पर 251 नंबर का सूत्र लग जाएगा इंग योर वा, वह विकल्प से लगता है। ये सभी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए शेष चर्चा अगले सत्र में सीमन शब्द नकारांत के साथ। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग, अभिवादन।